नमस्कार, मैं हूं योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का दावा है कि सरकारी बीमा कंपनी बनने के बाद किसानों को जो बीमे का लाभ है वो मिल पाएगा और इसी से निजी कंपनी को जो प्रीमियम का मुनाफा होता है वो भी बंद हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि वो भी अपनी खुद की एक फसल बीमा कंपनी बनाएगी जिससे कि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस जो नई फसल बीमा कंपनी है उसका जो ड्राफ्ट है वो पूरा बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ एक मोहर लगने के बाद ये जो नई कंपनी है वो अस्तित्व में आ जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अन्य खबरों के लिए हम बात करते हैं मेरे साथी दिव्या अथवाल से। नमस्कार योगिता, आज की जो खबरें हैं वो बताना चाहूंगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जैसे कि जो लॉकडाउन जो 4.0 था वो अभी रविवार को खत्म होने वाला था, मतलब रविवार को इसका जो 31 मई लास्ट डेट दे रखी थी, तो ये जो है खत्म होने वाली। इसी के चलते आज शनिवार को गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन 5 है उसकी जो नई है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब जो ये लॉकडाउन है वो 30 जून तक होगा, मतलब ये जो लॉकडाउन है अब 30 जून को बढ़ा दिया गया है, 30 जून के बाद में समाप्त होगा। तो और ये जो लॉकडाउन है वो आगे इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में बताया गया है कि जो कोरोना वायरस को लेकर मरीज का जो आंकड़ा है वो 29,7,900 मतलब से ज्यादा अधिक जो मरीज मिले हैं इन दिनों में, जिसके चलते अब जो पूरे भारत का अगर पूरे भारत के मरीज की बात करें तो वो 1,70,000 तक जो 1,70,000 से ज्यादा हो गए मरीज। इसी के चलते जो गृह मंत्रालय ने जो जारी किया है जो ये नई गाइडलाइन ली है, तो ये जो आंकड़े के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं इसी के चलते जो ये लॉकडाउन आप 30 जून तक हो गया है। तो ये जो आज की सबसे बड़ी खबर रही है। और इसी साथ आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक मंदसौर की खबर थी जहाँ मंदसौर के छोटे से जिले करहंडी में दिनेश लोहार है जिन्होंने एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है और ये जो मशीन है सिर्फ 4 घंटे के अंदर बनाई है, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटे के अंदर उन्होंने जुगाड़ किया है और ये जो है ऑटोमेटिक मशीन बनाई है। और जो मशीन बनाई है उसके बाद में जो मशीन उन्होंने मलाड़गढ़ तहसील है वहाँ पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी जो रोशनी पाटीदार है उनको ये भेंट कर दी गई है। तो ये मंदसौर की खबर थी जो आज हमारे डेस्क पर रही है। इसी के साथ में आगे की खबर है हमारे पास देवास से जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज भी रही है हमारे इसमें। तो देवास की खबर ये है कि जो अभी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव से पहले जो है राजनीति गरमाने लगी है और रूठने मनाने का काम भी जारी है, तो वहीं हाटपिपला की सीट को लेकर जो हमारे भाजपा के महासचिव राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है वो पूर्व मंत्री दिनेश जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके गृह निवास पे उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो ये खबर रही थी। उन्हीं के साथ में मनोज चौधरी है वो भी उनके गृह मंत्रालय पर गए हैं और चाय चर्चा पर रहे हैं और दोनों ने आपस में बंद कमरे में बात की है और भी जो खुलासा है वो आगे जारी रहेगा, आपको जो है व्हाट्सएप पर लगातार देता रहेगा। वहीं इसी साथ में नीमच की खबर है कि आज सुबह जो 5 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें से 2 कोरोना पॉजिटिव आज निकले हैं और जिसके चलते अब जो एक्टिव मरीज का जो नीमच में एक्टिव जो मरीज है वो 142 हो चुके हैं। तो ये खबर रही है नीमच के लिए। इसी के साथ में हमारे पास आगे एक और नीमच की खबर है जहाँ पर जो करनी सेना राजपूत करनी सेना है उन्होंने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने 12वीं कक्षा के छात्रों के हित के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि अभी फिलहाल अपनी न्यूज बताई थी वॉइस ऑफ एमपी ने कि 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो है मतलब एग्जाम डेट आ गई 9 जून से 16 जून तक, तो ये जो इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो 12वीं क्लास के जो बच्चे के जो एग्जाम है उसको निरस्त किया जाए क्योंकि अभी क्या है कि अभी कोरोना वायरस जो उसकी वैश्विक महामारी चल रही है तो इसमें क्या अगर बच्चे एग्जाम देने चाहेंगे तो किससे भी संपर्क हो सकता है, कोई भी इससे टच हो सकता है, जिसके चलते क्या छात्र छात्राओं की मतलब उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता, उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसी ये मतलब इसी के चलते उन्होंने करनी सेना राजपूत ने आज जो है कलेक्टर कार्यालय में जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि 12वीं क्लास के जो बच्चे के जो एग्जाम है वो निरस्त कर दिए जाए। वहीं हमारे पास इसके साथ ही एक और इंदौर की खबर है जहाँ पर इंदौर में खुशखबरी का माहौल ये है कि वहाँ पे जो कोरोना वायरस के जो मरीज है वो रिकवरी हुए हैं, मतलब कि जो रिकवरी हुए 50% यानी 50% जो रिकवरी हुआ है। वहाँ पे अगर अपन बात करें तो वहाँ पर बात करें तो अभी जो 3431 में से जो मरीज है वो 1741 मरीज मतलब बचे हैं ऐसा मतलब वहाँ पे देखा गया है इंदौर में। और अब जो वहाँ पर एक्टिव केस है वो 1527 है जो वहाँ पर एक्टिव केस बचे हैं। तो ये इंदौर की खबर रही थी। इसी के साथ में हमारे पास तो ये थी मेरी साथी दिव्या अटवाल जिन्होंने आपको आज मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवाया है।